नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अपनी स्वस्थ हालत में हैं। आज के पंचांग की बात करें तो आज अश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और गुरुवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज का पूरा दिन पार करके देर रात 1:17 तक रहेगी। आज द्वादशी तिथि वालों का श्राद्ध रहेगा। आज सुबह 9:45 तक शिव योग रहेगा, उसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के राशियों की। मेष राशि से शुरुआत करते हैं यानी राइस से, तो जल्दबाजी में आज आप घर व बाहर कहीं भी कोई निर्णय ना लें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। आज आप अपनी दिनचर्या में योग व व्यायाम को शामिल करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। वृषभ दैनिक राशिफल की बात करें यानी टॉरस की बात करें तो व्यवसाय कर रहे लोगों को आज सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको कुछ लाभ के अवसर मिलेंगे तो उन पर चलकर अच्छा लाभ कमाने में कामयाब भी रहेंगे आप। नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई बड़ा पद मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। विद्यार्थी आज अपने गुरुजनों से कमज़ोर विषयों के लिए मदद मांग सकते हैं। मिथुन राशि की बात करें यानी जेमिनी की बात करें तो सपनों के पूरा न होने से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखने के लिए आज आपको किसी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। वाणी की मधुरता आज आपको मान सम्मान दिलाएगी। आज अपनी ऊर्जा को बेकार के कामों व्यर्थ ना करें। कर्क राशि फल की बात करें यानी कैंसर की बात करें तो आपसी प्रेम और गहरा होगा आपका लोगों से। आपको संतान की किसी समस्या का जल्द समाधान करना होगा, नहीं तो वो परेशान हो सकते हैं। अब जो लोग विदेश यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए दिन बेहतर रहेगा। फाइनेंस के मामले में आज दिन थोड़ा कमज़ोर रहने वाला है। सिंह राशि फल की बात करें यानी लियो की बात करें तो यदि आपको पिताजी द्वारा जिम्मेदारी सौंपी जाए तो आपको उसे समय रहते पूरा करना होगा, नहीं तो आपको उनसे डांट खानी पड़ सकती है। आज आप दिन को रोमानी अंदाज में जिएंगे और आप इधर उधर लोगों की परवाह न करते हुए अपने काम पर ध्यान लगाएंगे। कन्या राशिफल की बात करें यानी वर्गो की बात करें, जो लोग किसी नई कंपनी से जुड़ना चाहते हैं उन्हें पहले उसकी पूरी जानकारी लेनी होगी। परिवार में आज किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आज अपनी मेहनत से काम करके अच्छा धन कमाने में कामयाब होंगे। तुला राशिफल की बात करें यानी लिब्रा की बात करें तो आज अपने किसी मित्र की सेहत को लेकर कुछ चिंतित रहेंगे आप, लेकिन उसमें कुछ समय बाद सुधार भी होगा। आज आप रोमानी अंदाज में रहने के कारण प्रसन्न रहेंगे। परिवार के सदस्यों से आज आपकी किसी बात पर बहसबाजी हो सकती है। वृश्चिक राशिफल की बात करें यानी स्कॉर्पियो की बात करें तो आज आपकी मीठी वाणी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेगी। आप आज कम मेहनत से भी अच्छा लाभ पाने में कामयाब रहेंगे। आप जीवन साथी को लेकर किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि बात करें धनु राशि की यानी सैजिटेरियस की तो कार्य क्षेत्र में आप कठिन मेहनत करके बहुत कुछ पा सकते हैं, अन्यथा सब आपके हाथ से निकल सकता है। माता पिता से आप अपने मन में चल रही कुछ उलझनों पर बातचीत कर सकते हैं। परिवार की कोई कलह आज आपके लिए मानसिक तनाव लेकर आ सकती है। मकर राशिफल की बात करें यानी कैप्रिकॉर्न की बात करें तो आज अपने सीनियर से किसी ज़रूरी काम के लिए सलाह मशवरा कर सकते हैं आप, जिसमें आपको कोई असुविधा होगी। और विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों की मेहनत रंग लाएगी और उन्हें अच्छा मुनाफा भी होगा। यदि बात करें कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की तो परिवार से भी माहौल खुशनुमा रहेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में आज एक नई ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे वह अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने में कामयाब रहेंगे। मीन राशि यानी अंत राशि की जो है पाइसिस की बात करें तो घर में आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके लिए आप पहले से ही मजबूत रहेंगे। जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं वो अपने अधिकारियों के मुंह से प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होंगे। विवाह योग्य जातकों को आज उनका साथी मिल सकता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिएगा वो क्लिंग उसके साथ।